हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका लेखक के पांचवें एपिसोड में, जिसका नाम है आम का अचार। ए, तूने देखा मैम ने रोहित को कितनी बुरी तरह मारा? हाँ, मेरे को तो बहुत मजा आया। ये जो सीन आप इमेजिन कर रहे हो ना, दरअसल ये सीन कुछ बच्चों का है जो रिक्शे पे बैठ के अपने घर वापस आ रहे हैं, और उनके जो चेहरे पे खुशी है वो अलग ही पता चल रही है। और वैसी बात है, खुशी क्यों ना हो, किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का ख़त्म होके वापस आना एक सबसे बड़ी खुशी होती थी। और ये खुशी एक और बात से खुशी को दुगना कर दे रही थी, क्योंकि ये स्कूल का आखिरी दिन था, समर हॉलीडेज जो स्टार्ट होने वाले थे। मैंने जैसे ही यहाँ समर हॉलीडेज की बात की, मेरे साथ साथ काफी लोगों के दिमाग में उनका पूरा बचपन फ्लैशबैक में चला गया होगा। कैसे हम शाम को आके खेलते थे, पढ़ाई, बैग, साथ, सब साथ में, साइड में सब कुछ रख के, सारी टेंशन को छोड़ के सब कुछ अपने मन का किया करते थे। उस समय सिर्फ और सिर्फ खेलना खाना ही प्रायोरिटी था, टेंशन वेंशन कुछ थी ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। राहुल और मोहित, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड अपने रिक्शे से उतरे और दोनों अपने अपने घर को जाने लगे। दोनों का घर आमने सामने ही था, तो राहुल ने मोहित से कहा, मोहित शाम को मिलना है ना क्रिकेट खेलने के लिए? हाँ, बैट ले आइयो। हाँ ठीक है। और ये कह के दोनों औरतें अपने घर के अंदर चले गए। राहुल जैसे ही अंदर जाता है तो अपने आंगन में बाल्टियों में के अंदर हरे कलर की अमियां पड़ी हुई देखता है, जो कि पानी में डूबी होती हैं। और हर किसी बच्चे की तरह उसका भी क्यूरियोसिटी में मन करता है कि आखिर है क्या, जाके देखा जाए। जब तक टच करने वाला ही होता है, पीछे से मम्मी बोलती हैं, राहुल क्या कर रहे हो, स्कूल से आओ ना, गंदे हाथों से तो क्यों छू रहे हो? मम्मी ये अमिया इसमें पानी में क्यों रखी है? बेटा वो गर्म होती ना तो उसको ठंडा करने के लिए होती है, तो उसको फ्रिज में रख दो ना, पानी में क्यों रखे? आई नो ये चीज बहुत थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, बट उस समय बच्चों का दिमाग अपनी सोच से बहुत ज्यादा तेज चलता था, और अभी भी चलता है। बच्चों के क्वेश्चन के आंसर का जवाब किसी के पास नहीं होता है। मम्मी हंसी और बोली, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले कपड़े चेंज करो और खाना खाओ। राहुल ने गया, कपड़े चेंज किए और खाना खाने बैठ गया। खाने में मनपसंद उसके राजमा चावल बने थे। भाई फिर क्या था, एक तरफ छुट्टी का खुशी, एक तरफ स्कूल बंद होने की खुशी, और एक तरफ इतने उसके स्वादिष्ट पकवानों की खुशी। भाई मौज थी राहुल की तो। राहुल ने खाना खाया और उसके बाद मम्मी के कहने पे प्यार से थोड़ी देर के लिए सो गया। भला लेकिन नींद किसको आने वाली थी, क्योंकि भाई शाम को तो गेम खेलना था, क्रिकेट खेलना था मोहित के साथ, और जस्ट मोहित के साथ ही नहीं, मोहल्ले के सारे बच्चों के साथ। उठा, शाम हुई, कपड़े चेंज करे, भागता भागता नीचे जाया था, तब तक मम्मी ने पीछे से टोका, जल्दी आ जाना। अरे मम्मी छुट्टी हुई है, अब तो देर तक खेलने दो, मैं आ जाऊंगा। इतना कहते हुए वो मोहित के घर गया, मोहित को बुलाया, फिर मोहल्ले के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होके पास के पार्क में क्रिकेट खेलने चले गए। वो दिन भी कैसा होता था ना, मोहल्ले के बच्चों को बुला के क्रिकेट खेलना, फिर क्रिकेट में नाली में बॉल चले जाना, फिर आधा घंटा तो यही आर्गुमेंट होता था कि बॉल नाली से कौन लाएगा, जिसकी बॉल है वो लाएगा या जिसने मारी है वो लाएगा।
मैच के अब भाग में सबसे पहले बॉल। और यह समा देख के मोहल्ले के आधे लोग तो उसी में ही मजे लिया करते थे। चलो भाई, क्रिकेट गेम हुआ, खत्म हो गया। रात हुई, रात को फिर राहुल ने वही सवाल खड़ा कर दिया। मम्मी, आपने सुबह वाले क्वेश्चन का मेरा आंसर नहीं दिया, वो पानी में डुबो के क्यों रखी थी अम्मिया? तो मम्मी ने बताया, बेटा गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी में जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद है आम का अचार, वो कल बनाएंगे हम लोग, इसीलिए उसको बाल्टी में रखा है, क्योंकि अम्मिया अंदर से बहुत गर्म होती है, जब उसको आप ऐसे ही खाओगे ना तो आपको पेट में खराबी कर देगी, तो वो खराबी ना करे इसलिए हम लोग उसको पानी में डुबोते हैं। राहुल के दिमाग में समझ तो कुछ नहीं आया, बट ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करते हुए उसने भी हाँ हाँ करके अपना सर ऊपर नीचे हिला दिया। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने अपने आंगन में कांच के कम से कम 6-7 जार्स देखे जो मम्मी एक कपड़े से साफ कर रही थी। राहुल पास आता है मम्मी के और पूछता है कि मम्मी ये क्या कर रही हो? मम्मी बोली, बेटा अचार बनाने के बाद इसमें रखेंगे ना, ताकि अचार खराब ना हो। ठीक है, राहुल मान गया। उसके बाद राहुल चला गया फिर से खेलने। भाई बच्चों के लिए तो यही था, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तैयार तैयार होके चला गया खेलने। अब मम्मी आधी टेंशन इसमें कि बेचारा बच्चा कुछ खा के नहीं गया, लेकिन उस समय भूख प्यास कहाँ, उस समय तो खेलना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो एनर्जी एक अल्टीमेट लेवल की होती थी। हम लोग बिना खाए पिए कम से कम चाहे तो पूरा हफ्ता खेल सकते थे, इतनी एनर्जी होती थी। वापस आया, राहुल ने देखा आंगन में सबके सब, उसकी दादी, उसकी मम्मी, उसकी ताई जी, सब लोग मिलके अमिया काट रहे। राहुल पास गया, दादी के पास जाके पूछने लगा, दादी दादी एक अचार बनता कैसे है? दादी ने कहा, बैठो हम तुम्हें बताते हैं। राहुल मासूम सा दादी के पास बैठ के अचार बनाने के ट्यूटोरियल लेने लगा। दादी के पास एक मशीन थी, अब वो मशीन नहीं कह सकते, वो पुराने जमाने का एक औजार होता था जिससे अम्मिया को काटा जाता था, उसको काटती और एक बोल में सारी अम्मिया कटी हुई बीजे हटा हटा के इकट्ठा करती रहती। अब राहुल की नजर उन खट्टी खट्टी अम्मिया पे इतनी ज्यादा जा रही थी कि उसका मन नहीं रुक रहा था कि एक पूछ के खा ही लूं। लेकिन दादी भी तो है, दादी हम लोग क्यों बोलते हैं, हर बात जान जो लेती है। दादी ने चुपके से बोला, तेरे को खानी है अम्मिया? राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं, उसने इतनी जल्दी ऊपर नीचे सर हिलाया हाँ हाँ करते हुए जैसे कोई बबुआ हो। दादी ने एक अम्मिया का टुकड़ा राहुल के हाथ में दिया और कहा, मम्मी को मत बताना। राहुल ने हाँ हाँ करते हुए चुपके से वो अम्मिया का टुकड़ा लिया और धीरे धीरे खाने लगा। अम्मिया की पहली बाइट लेके जो चटकारे मारी हैं उसने, वो मजा अलग ही था। फिर उसने देखा बोल में सारी इकट्ठा हुई अम्मिया, उसके ऊपर नमक डाला जा रहा है। नमक के बाद उसमें लाल मिर्च, लाल मिर्च के बाद उसमें हल्दी, और उसको मिक्स करके उसको धूप में रख दिया गया। राहुल के ये सब चीजें उसकी समझ के परे थी, क्योंकि उसको ये ज्यादा समझना नहीं था, उसको तो बस टाइम स्पेंड करना था अपनी दादी के साथ, जो उसने कर लिया था। रात हुई, अब रात हुई तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो कुछ करने को था नहीं, पता है छोटे शहरों में और गाँव में लाइट जाना एक समस्या अभी भी है, बट बच्चों के लिए ये समस्या कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हम लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानता।
क्योंकि हम सबको पता होता कि लाइट जाने के बाद सारे घर वाले एक साथ एक आंगन में आएंगे बात करने, और हम लोग को उनकी बातें, उनकी हंसी देख के जो खुशी मिलती थी ना, भले समझ में कुछ ना आ रहा बट वो अलग ही फील होता था। और वही हुआ, लाइट जाते ही मोहित के मम्मी पापा, उनका परिवार, और राहुल के मम्मी पापा राहुल के घर के आंगन में एक साथ सब बैठ गए। फिर जमेड़ा लगा बातों का। पापा उधर से अपने किस्से सुना रहे हैं, ताऊ जी अपने बचपन के किस्से सुना रहे हैं, दादी अपना गा रही हैं, कोई उस तरफ गाने गा रहा है, कोई उस तरफ कुछ खेल रहा है, राहुल और मोहित भागा भागी खेल रहे हैं। वो समा ही अलग था। उत्ते में सुनने में आता है कि मोहल्ले का ट्रांसफॉर्मर फूक गया। लो भाई, अब क्या किया जाए? तो सबने डिसाइड किया कि बिजली घर में फोन किया जाएगा, बताया जाएगा और नया ट्रांसफॉर्मर आएगा। ट्रांसफॉर्मर का फूक जाना किसी भी छोटे शहर और गांव की कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक ना एक दिन ये किस्सा सबके साथ हुआ है, और ये राहुल के साथ भी हुआ। बट उस समय कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि परिवार की एकजुटता इतनी थी कि लाइट रहे या ना रहे सब साथ में ही सो जाएंगे। अब तैयारी हो रही थी सोने की, बट लाइट तो थी नहीं। तो सबने मिलके एक प्लान बनाया कि छत पे चल के सोएंगे। राहुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। राहुल और मोहित तो जैसे इतना खुश हो रहे थे जैसे किसी ने बोल दिया हो कि तुम लोग कभी स्कूल ही नहीं जाओगे, उस टाइप की खुशी। क्योंकि राहुल को पता है छत पे जाके उसकी फेवरेट पार्ट होने वाला है ठंडे ठंडे गद्दों में सोना। फिर क्या, कोई चटाई लेके, कोई चद्दर लेके, राहुल के मम्मी पापा उसका गद्दा लेके छत पे चल दिए। सबने अपने अपने डिस्टेंस पे छत में चटाई, चद्दर और गद्दे बिछा दिए। फिर सब लोग छत में टहलने लगे और राहुल और मोहित एक साथ भागा दौड़ी खेलने लगे। आधे घंटे बाद पापा गद्दे पे बैठ के राहुल को आवाज देते हैं, राहुल आजा, तेरा गद्दा ठंडा हो गया है। राहुल दौड़ते दौड़ते आया तो फिसलने लगा, बट फिर खुद को संभालते हुए चप्पल खोली और जैसे ही अपने नरम पैर उस गद्दे पे रखे हैं, वो फीलिंग राहुल को स्वर्ग से परे मिल गई थी। वो तुरंत गद्दे पे लेटा, इतना कस कस के हंसने और मुस्कुराने लगा और पापा से बोला, पापा गद्दा तो बहुत ठंडा है, मेरे को तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। पापा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सो जाओ, देर हो गई है। बट राहुल के चेहरे पे और दिमाग में नींद थी कहाँ। इतने में जब तक राहुल से पापा कुछ बात करते, ट्रेन की आवाज आई। अब बच्चों के कान तो तेज होते हैं और हर जगह गौर करते हैं। जैसे ही राहुल ने ट्रेन की आवाज सुनी, तुरंत पापा से बोला, पापा ट्रेन आ रही है, मेरे को देखना है, मेरे को देखना है। अब राहुल का जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, तो जो भी मुसाफिरों की ट्रेनें निकलती थीं कहीं भी जा रही हों, तो वो साफ साफ राहुल के छत से दिखती थी। मोहित एक तरफ अपने पापा के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ था, कोई गेम खेल रहा था, उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। बट राहुल हर चीज़ को लेके बहुत क्यूरियस था। राहुल ने पापा को उठाया, पापा ने राहुल को गोद में लिया और ट्रेन की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो ट्रेन। बस खुश, राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं। छोटे से डिब्बे जिनके अंदर लाइटें जल रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई लाइटों को उठा के ले जा रहा है, जैसे दिवाली में लाइटें होती हैं अपने आप चलती हैं, वैसा ही एक कुछ फील राहुल को लग रहा था उस ट्रेन के डिब्बे को देख के रात को। वो डिब्बे को देख के राहुल को नींद आई और वो सो गया।
बस इतनी सी थी आज की ये स्टोरी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपना फेवरेट पार्ट, जब समर हॉलीडेज़ में आपके घर में आम का अचार ज़रूर बनता होगा। और समर हॉलीडेज़ में बचपन में ऐसे कोई से किस्से हों जो आपको याद आए हों, जो लाइन आपको याद आई हो, कोई लाइन जो आपको लगा हो कि हाँ मेरे साथ भी हुई है, तो प्लीज़ आपको ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में। और प्लीज़ सबसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि लोग भी अपने इस भागा दौड़ी माहौल में, इस फ्रस्ट्रेटेड माहौल में अपने बचपन को याद करके थोड़ा सुकून पा सकें। थैंक यू सो मच। गुड बाय। स्टे सेफ।